गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 12वीं की एनसीईआरटी बुक का पोषक तत्व वाला चैप्टर, और यह चैप्टर 12वीं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। ये आपकी होने वाली जेट की परीक्षा के लिए, बीएचयू की परीक्षा के लिए, आईसीआर के लिए अति महत्वपूर्ण है। लगभग इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं और 12वीं में तो निश्चित रूप से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सबसे पहले तो अपन ये पढ़ेंगे कि पोषक तत्व क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है। पोषक तत्व का मतलब होता है कि पोषक तत्व वह है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, इनके बिना पौधों की वृद्धि नहीं हो सकती, तथा अपनी कमी की पूर्ति खुद ही पूरा करते हैं। यदि अपने ये कहें कि पौधे के अंदर नाइट्रोजन की कमी है तो उसकी सप्लाई नाइट्रोजन ही कर सकता है, फॉस्फोरस पोटास कैल्शियम ये नहीं कर सकते, तो अपन ये कह सकते हैं कि पोषक तत्व वह है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, अपनी कमी की पूर्ति खुद ही पूरी करते हैं। सबसे पहले पौधों को पोषक तत्वों की आवश्यकता के बारे में आर्नोन सर ने बताया था, इसलिए आर्नोन सर को पोषक तत्वों की आवश्यकता की कसौटी की संख्या दी गई है। आर्नोन सर द्वारा यह बताया गया कि एक पौधे को कुल 20 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जबकि निकोलस जो मॉडर्न थ्योरी है इन्होंने कहा कि एक पौधे को कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तथा 17वां पोषक तत्व इन्होंने निकल बताया। यह भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण बनता है कि पौधों के लिए 17वां पोषक तत्व कौन सा निकल है। उसके बाद अपन करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, कितने प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। एक ऐसे पोषक तत्व जो वायुमंडल से मिलते हैं, वायुमंडल से मिलने वाले पोषक तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कार्बन की सप्लाई हमेशा CO2 से होती है, हाइड्रोजन की सप्लाई हमेशा H2O से होती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई हमेशा ऑक्सीजन O2 से होती है। उसके बाद भूमि, इन जो पोषक तत्वों को जो वायुमंडलीय पोषक तत्व है इनको अखनिज पोषक तत्व भी कहा जाता है। ये हमेशा इनकी खनिज से पूर्ति नहीं होती, इनका अखनिज पोषक तत्व भी नाम है। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरे पोषक तत्व है भूमि से मिलने वाले, इनकी सप्लाई हमेशा सोयल से होती है। इनको अलग अलग भागों में क्लासिफाइड कर दिया, जैसे प्राथमिक पोषक तत्व है, प्राथमिक पोषक तत्वों को अपन शॉर्टली याद रख सकते हैं, अपना ये देसी फॉर्मूला है कि नाना पाटेकर खतरनाक या नाना पाटेकर कॉमेडियन, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं। उसके बाद द्वितीय पोषक तत्वों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इसको अपन सीधा देसी तरीके से याद रख सकते हैं कि कन्या मांगे सेव, कन्या मांगे कैल्शियम, मांगे मैग्नीशियम और सेव सल्फर। उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व है, इनमें बोरोन आता है, कॉपर, क्लोरीन, आयरन, मैग्नीज, जिंक और निकिल, निकिल 17वां पोषक तत्व माना जाता है। उसके बाद अति सूक्ष्म पोषक तत्व, इनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ये है मोलिब्डेनम। इससे संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूलगोभी व रिज़का के अंदर व्हिप टेल रोग किसकी कमी से होता है, तो वो हमेशा मोलिब्डेनम की कमी से होता है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं पोषक तत्व एवं इनकी भूमिका, यानी कौन कौन से पोषक तत्व, यानी 12वीं के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा कमी के लक्षण और दूसरा पूछा जाएगा कार्य। अब इनमें से किसी एक का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से पोषक तत्व, नाइट्रोजन के क्या कार्य हैं, जिंक के क्या कार्य हैं, पोटास के क्या कार्य हैं, और एक पूछा जाएगा कमी का लक्षण। तो अपन इस तरीके से बेसिक याद रख सकते हैं। जनरली संरचनात्मक तत्व हमेशा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। यदि क्वेश्चन याद आता है कि कार्बन के दो कार्य लिखिए, तो सबसे पहला अपन कार्य लिख सकते हैं कि कार्बन पौधों की बेसिक संरचना बनाने का कार्य करता है। दूसरे हैं उत्तक निर्माण पोषक तत्व, इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर आते हैं। तो कार्बन का ही दूसरा कार्य अपन ये लिख सकते हैं कि ये पौधों के लिए उत्तक का निर्माण करने में सहायक है। दोनों एक क्वेश्चन अपना सोल हो गया। उसके बाद है ऊर्जा का विनिमय करने वाले पोषक तत्व, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आते हैं। ऊर्जा का संग्रहण करने वाले जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोर करते हैं वो कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर है। गतिशील पोषक तत्व, ये अपन को ये याद रखने में सहायक होगा कि कौन से पोषक तत्व की कमी कौन सी पत्तियों पर होती है। जैसे ये कहा जाए कि गतिशील पोषक तत्व, गतिशील पोषक तत्व का मतलब है पौधों की जड़ों के पास सप्लाई किया, सप्लाई करने के तुरंत बाद रन करके अपर पार्ट्स में पहुंच गया। जैसे अपन ये कहेंगे कि पौधे के अंदर यूरिया सप्लाई की गई, यूरिया बिगेस्ट सप्लायर ऑफ नाइट्रोजन, यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन होती है। जैसे ही पौधे की जड़ों के पास नाइट्रोजन या यूरिया डालेगी, या तुरंत पौधे के ऊपर के भागों में चलेगी, जैसे इसकी सप्लाई बंद की गई, नाइट्रोजन अपने देना बंद कर दिया, तो इसकी कमी के लक्षण हमेशा नीचे की पत्तियों पर नजर आएंगे। तो अपन ये लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन का मुख्य लक्षण पौधे की निचली पत्तियों पर प्रभावी होता है। या अपन ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की कमी से पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। इसमें नाइट्रोजन ही नहीं, इसमें नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है, पोटास भी है, मैग्नीशियम भी है और सल्फर भी है। इन सभी के लक्षण पौधे की निचली पत्तियों पर प्रभावी होते हैं। उसके बाद मध्यम गतिशील पोषक तत्व, इन मध्यम गतिशील पोषक तत्वों में जिंक और मैग्नीशियम आते हैं। इनकी कमी के लक्षण हमेशा
पौधे की सभी पत्तियों पर एक साथ प्रकट होते हैं। फिर आता है अल्प गतिशील, यानी ये धीमी गति से चलने वाले पोषक तत्व होते हैं। इनकी कमी के लक्षण हमेशा पौधे की नई पत्तियों पर या ऊपर की पत्तियों पर नजर आते हैं। इसमें आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन है। उसके बाद अचल पोषक तत्व है, ये कम, बहुत कम गतिशील होते हैं या अपनी कह सकते हैं चल नहीं सकते। इनकी कमी के लक्षण हमेशा पौधे की सभी पत्तियों पर एक साथ नजर आते हैं। एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिए, बारहवीं के लिए दो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे अपन इससे आसानी से याद रख सकते हैं कि किस पोषक तत्व का कार्य क्या है। जैसे क्वेश्चन यह पूछ लिया जाता है कि कार्बन के दो कार्य लिखे, तो सबसे पहला कार्य अपन लिख सकते हैं कि यह पौधों की बेसिक संरचना बनाने का कार्य करता है। दूसरा लिख सकते हैं कि ये उत्तक निर्माण में सहायक है। यदि क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि फास्फोरस की कमी के लक्षण लिखे, तो अपन क्या लिख सकते हैं फास्फोरस की कमी में? सबसे पहला तो ये कि फास्फोरस की कमी के लक्षण हमेशा पौधे की ऊपर की पत्तियों पर नजर आते हैं। दूसरा यहां से पढ़ सकते हैं कि ये ऊर्जा के निर्माण में, ऊर्जा के संग्रहण में सहायक है, तो पौधे के दाने छोटे रह जाते हैं, पत्तियां छोटी रह जाती हैं, या अपने कह सकते हैं कि पत्तियों के ऊपर विभिन्न प्रकार के धब्बे पड़ने लगते हैं। अब बच्चों अपन कल पढ़ेंगे खाद व उर्वरक, इसके आगे का चैप्टर होगा खाद व उर्वरक।